So my name is Neelam Farooq. Today is our third lecture that is based on gaseous exchange in human. Human and other higher animals have a very well-developed respiratory system, and their respiratory system are divided into two parts. First is the air passageway and second is the lung. First, we will discuss the air passageway. Air passageway consists of several parts or organ of the body that take air from the outside to the lungs, and after the exchange of gases, it goes out. This passage consists of several organs, and we discuss these organ or parts one by one. Number one is the nose. Nose encloses the nasal cavity. Nasal cavity is a space that lies between the nose. And this nasal cavity opens to the outside through a small opening that is known as nostrils. Nasal cavity is also divided into two portions by a wall, and this wall is made up of a cartilaginous bone, and each portion of portion is lined by a fine hair and mucus which filter the dust particles from the air. And if we talk about the nasal cavity, hum baat kar rahe hain ki nasal cavity jo hai wo ek space hai jo ki nose के इंटरनल प्रेजेंट होती है, और इस वॉल को, इस एरिया को जो है वो एक वॉल डिवाइड करती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं, जो इसे डिवाइड करती है। और हर पोर्शन के अंदर जो है वो फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है। फाइन हेयर्स का काम है कि ये हवा, बाहर से अंदर आने वाली जो हवा रश करके अंदर आती है, उसको ये फिल्टर करता है, और उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपके एयर पैसेजवे में पास नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें यहाँ पर आपके पास म्यूकस भी प्रेजेंट है। म्यूकस का काम है कि ये मॉइस्ट करती है और उस हवा को जो आपकी नोज़ के थ्रू इंटरनल बॉडी में आ रही है उसको गर्म करती है, और उसके टेम्परेचर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लेके आती है। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट अगर पार्ट देखें तो आपके पास नेजल कैविटी है, सेकंड पार्ट देखें तो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बाद आपकी ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी वो पोर्शन है जहाँ से आप फूड को स्वेलो करते हैं। उसके बाद आपके पास पोर्शन है एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, टिश्यूज़ का, जो कि क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो उस ओपनिंग को क्लोज कर देता है और आपकी खुराक के ज़रात को आपकी सांस की नाली में नहीं जाने देता। उसके बाद आप देखें ग्लोटिस के नीचे आपको एक सी शेप कार्टिलेजनस रिंग नज़र आ रहे होंगे, जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया जब लंग्स के अंदर एंटर होता है तो ये फर्दर बहुत ज़्यादा बारीक ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई फर्दर एक नेटवर्क बनाती है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल फर्दर एक ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसे हम एल्वियुलर डक्ट बोलते हैं, और एल्वियुलर डक्ट फर्दर डिवाइड होकर एल्वियुलाई बनाती हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेज वे। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द नोज, सेकेंड नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे विच इज़ कॉल्ड फेरिंग्स। अब आपकी नेजल कैविटी जो है वो ओपन हो रही है फेरिंग्स पे बाई मीन ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रल। जिस तरह बाहर हवा लेने के लिए आपके नोज़ की ओपनिंग है उसे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल बोलते हैं, इसी तरह आपके नोज़ के एंड के ऊपर भी दो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रल बोलते हैं, और वो आपकी नेजल कैविटी को अटैच कर देती है टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज बेसिकली अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स वो आपका एक मस्कुलर पैसेज है, ये मसल्स का बना हुआ रास्ता है, पैसेज है, जो कि आपकी फूड और आपकी हवा दोनों के लिए कॉमन है। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस एंड द लेरिंग्स। और ये ओपनिंग आपकी कहाँ पर जाती है, ये जाती है आपके ओसोफेगस में और लेरिंग्स में। ओसोफेगस क्या करता है, इसको आपके स्टमक में ले जाता है, और लेरिंग्स इसको क्या करता है, ट्रेकिया तक ले जाता है। द एयर गोज़ फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। अब एयर जो है वो आपकी फेरिंग्स से कहाँ पे एंटर होगी, लेरिंग्स में, और लेरिंग्स के ऊपर एक स्मॉल नैरो ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम ग्लोटिस बोलते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसे कवर करता है, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस, अगर हम ग्लोटिस की डेफिनेशन देखें तो ग्लोटिस की डेफिनेशन क्या होगी, ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लेड इनटू लेरिंग्स, जो कि इसे किससे अटैच कर रहा है, लेरिंग्स से अटैच कर रहा है। नाउ ओवर थर्ड पोर्शन इज द लेरिंग्स।
या थर्ड पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे इज़ द लेरिंग्स। लेरिंग्स इज़ अ बॉक्स, ये एक ऐसा बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज हमने पढ़ा था कि ये बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स इन्हें कहते हैं, ये कार्टिलेज का बना है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया, और ये किसके दरमियान में प्रेजेंट है, आपके फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में प्रेजेंट है। इस बॉक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो फिब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं, फिब्रस बैंड होते हैं और जो कि आपके वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं, जो कि वोकल कॉर्ड कहलाते हैं, और ये लेरिंग्स में स्ट्रेच होते हैं। जब आउटसाइड एयर आती है तो ये दोनों वोकल कॉर्ड जो हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इनकी वाइब्रेशंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इट इज़ कॉल्ड लेरिंग्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया नोज, उसके बाद हमने डिस्कस किया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमने थर्ड पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे डिस्कस किया जो कि है लेरिंग्स, और इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है और ये आपकी साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेरिंग्स के बाद जब हम आगे चलते हैं तो लेरिंग्स कॉन्टिन्यू करता है ट्रेकिया के साथ। ट्रेकिया को आप विंड पाइप भी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ विंड पाइप, और ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि आपकी ओसोफेगस के सामने जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी वॉल्स को एक्सपैंड रखते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते। अगर इसके अंदर हवा नहीं भी होगी तो ये कोलैप्स नहीं होगा, ये बंद नहीं होगी। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जब आपका ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो ये दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और एक होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। एक लेफ्ट लंग्स में शामिल हो एंटर हो जाएगा और एक राइट लंग्स में एंटर हो जाएगा। ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट इन देयर वॉल, क्योंकि आपके ट्रेकिया के अंदर सी शेप हमने बात की थी, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए जब ब्रोंकाई फर्दर ये डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाएगा तो उसमें भी आपके पास कार्टिलेजिनस प्लेट प्रेजेंट होंगी। ईच ब्रोंकस एंटर इंटू द लंग ऑन इट्स साइड एंड देन डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब जब ये आपके हर लंग में लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा जिनसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्स बनाएगा जो कि क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज। अब क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ये फर्दर ब्रांच आउट होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, तो इसके अंदर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स प्रेजेंट हैं वो वैसे वैसे कम होती जाएंगी एंड एज दे बिकम नैरो, और बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगी। द ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल एंड एज द ट्यूब्यूल कॉल द एल्वियुलर डक्ट, एंड पे आपके पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे जिसे हम एल्वियुलर डक्ट बोलते हैं, और ईच एल्वियुलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पोचेस कॉल्ड एल्वियुलाई। जैसे कि आपके पास अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसी तरह एल्वियुलर डक्ट जो है वो फर्दर स्मॉल क्लस्टर ऑफ पोचेस में डिवाइड हो जाएगी जिसे हम एल्वियुलाई बोलेंगे। एल्वियुलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी इज द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन ह्यूमन बॉडी, ये बेसिकली वो सर्फेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ईच एल्वियुलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, और हर एक एल्वियुलस जो है वो एक क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलके बना है। एपिथेलियल सेल हमने बात की थी 9th क्लास में कि ये वो सेल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन या सरफेसेस जो बनाते हैं या आपकी किसी भी ट्यूब की लाइनिंग्स बनाते हैं उसे आप एपिथेलियल सेल बोलते हैं। तो ये जो आपके पास एल्वियुलाई है ये भी एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है। इट इज़ बाउंड ऑन दी आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इनके बाहर एक नेटवर्क ऑफ एक जाल प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज बेसिकली फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं आर्टरीज़ की, और ये वो ट्यूब्स हैं जिसमें से आसानी से गैसेस या ब्लड डिफ्यूज़ हो सकता है। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लंग्स एंड द ब्रांचेस इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वियुलाई। हमें पता है कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आती है और इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है। जब ये लंग के अंदर एंटर होती है तो ये फर्दर ब्रांच आउट होती है जिसे हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, और ये फर्दर आर्ट्रियोल्स ब्रांच आउट होकर क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं जो कि एल्वियुलाई को सराउंड करती हैं। दीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूज, और बाद में यही कैपिलरीज जब यूनाइट हो जाती हैं, मिलती हैं, तो ये वेन्यूज बनाती हैं जो कि पल्मोनरी वेन बनाता है, और पल्मोनरी वेन आपके लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में वापस लेके आता है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे आपने कहा एयर पैसेज वे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
नोज़ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा एल्वियोलाई के बारे में। अब इसी का सेकेंड पोर्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द लंग्स। ऑल द एल्वियोलाई ऑन द साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। आपने कहा कि जो जितने भी एल्वियोलाई आपकी दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कंबाइन होकर क्या बना देंगे, आपके लंग्स बना देंगे। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हम चेस्ट कैविटी को बोलते हैं जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है, मीन दो लंग्स होते हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब्स मसल अटैच्ड कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब आपकी रिब्स जो मसल्स हैं या चेस्ट वॉल है उसमें 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम पसलियाँ बोलते हैं। 12 पेयर्स मीन 24 रिब्स होती हैं, और इनके इनर साइड पे और आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्रेम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम डायाफ्रेम बोलते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ टू लोब्स। अगर आप लेफ्ट लंग की बात करें, क्योंकि आपकी बॉडी के दो साइड पे लंग्स प्रेजेंट है, एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो लेफ्ट साइड का जो लंग है वो स्मॉल साइज़ का होता है और इसकी सिर्फ दो लूब्स होती हैं, जबकि राइट साइड का लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी तीन लूब्स होती हैं। लंग्स जो हैं ये स्पंजी होते हैं, जैसे आपने फॉर्म देखा होगा, या डस्टर हम बात करते हैं तो वो उसके पानी के अंदर सोक करते हैं तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी तरह लंग्स जो हैं ये भी स्पंजी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन है, मीन इसमें लचक होती है, फैल सकते हैं और कंट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सपैंड और कंट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं। द लंग्स ऑल्सो हैव ब्लड वेसल दैट आर द ब्रांचेज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके हार्ट से आती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन आपके लंग्स से जाती है। ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, और हर लंग जो है उसके आउटर साइड पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है, और इन आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि आपके लंग्स को लुब्रिकेट करता है, ताकि अगर जब आपके लंग्स एक्सपैंड हों और कॉन्ट्रैक्ट हों तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना करें या उनमें डैमेज ना हो। सो आज का हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, एंड होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।